तो दोस्तों अभी अभी बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जितने भी बीएड व बीटीसी के छात्र हैं पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बड़ी अपडेट आई अचानक दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दे रहे हैं, काफ़ी दिन आप लोगों को 3 दिन लगातार बैच चलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है और अभी अभी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दे रहा है ऑर्डर रिजर्व के साथ साथ किसका पल रहा भारी बताया जा रहा है। तो फिलहाल बीएड का जो पक्ष है वो काफ़ी दोस्तों भारी चल रहा है, बीएड का जो पल रहा है वो काफ़ी भारी चल रहा है, लेकिन एक तरफ बीटीसी भी पीछे नहीं हट रहा और काफ़ी दोस्तों यहाँ पे 3 दिन काफ़ी तभी आप लोगों को बैच देखने को मिल पाई और बीएड बीटीसी में जो पक्ष है वो दोनों तरफ से काफ़ी मजबूत रखे गए थे। फिलहाल बीएड का जो पक्ष है वो दोस्तों काफ़ी मजबूत चल रहा है। अब आपको बता दे रहे कब आप लोगों को, हालांकि ऑर्डर शीट जारी कर दी गई है, ऑर्डर शीट के लिए 20 तारीख तक आप लोगों को रिटर्न सबमिशन मांगा गया दोनों पक्षों में, ठीक है। और चौथी चीज़ आपको दोस्तों बता दे रहे हैं, आप लोगों को ऑर्डर रिजर्व हो गया तो सीधा ऑर्डर कब आपको सुनाया जाएगा, तो दोस्तों 20 तारीख के बाद ही आप लोगों को जो ऑर्डर है ये मान के चलिए 26 या 25 तारीख तक आप लोगों को जो ऑर्डर है वो सुना दिया जाएगा। और आपको दोस्तों बता दे रहे हैं बीएड की तरफ पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत चल रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते कि बीएड ही बाहर ना हो, ठीक है। लेकिन कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बीएड और बीटीसी में किसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होना चाहिए, कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। ऑर्डर शीट आप लोगों की जारी कर दी गई वो भी आपको दिखा दे रहे हैं, तो दोस्तों किसने सबसे पहले पैरवी की थी सब आप लोगों को यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे रिटर्न सबमिशन 20 तारीख को मांगा कि ये भी आप लोग दे सकते हो, ये ऑफिशियल ऑर्डर शीट है, आप लोग सब पूरा देख लो, ठीक है। तो 20 तारीख के बाद ही आप लोगों को जब दोनों पक्षों की तरफ से और रिटर्न सबमिशन हो जाएगा उसके बाद में ही आप लोगों को ऑर्डर बिल्कुल सीधा सुना दिया जाएगा कि बीएड व बीटीसी में कौन बाहर होगा। कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बीएड व बीटीसी में किसको बाहर करना चाहिए। वीडियो प्लीज़ लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।